हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। इस्लाम ने चार दिन पहले सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया। ये है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान। इनके विवादित पोस्ट के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में शिकायतकर्ता डॉक्टर कौशल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली सरकार को तुरंत ही जफरुल इस्लाम खान को कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा देना चाहिए। जिसके अगेंस्ट राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, जिसके अगेंस्ट मतलब दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में एनिमोसिटी क्रिएट करने की जो बात आ रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, वो इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने लिखा क्या था। उन्होंने लिखा था, भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर लगे आरोपों पर जब हमने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से अलग अलग प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग जफरुल इस्लाम खान ने किया है, उन्हें कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी होनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए कि देश की अक्षुण्णता, संप्रभुता, इसको बचाए रखना, ये पूरे देश के लोगों के साथ साथ इस पद पे बैठे हुए अधिकारियों का, हम सब संविधान का शपथ लिए हुए लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। जफरुल इस्लाम खान को क्या पद से हटाया जा सकता है, इस बारे में हमने कानून के जानकारों से भी सलाह ली। जहाँ तक कानून का प्रश्न है, तो दिल्ली अल्पसंख्यक अधिनियम के सेक्शन 4 में ये प्रावधान है कि यदि सरकार को ऐसा लगता है कि अध्यक्ष का या आयोग के किसी भी सदस्य का उस पद पर बने रहना जो है वो जनहित के या अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ है, तो सरकार भी उनको कारण बताओ नोटिस दे के और सुनवाई करके उस पद से हटा सकती है। ये भी सरकार का को पावर है कि यदि कोई किसी सदस्य ने या अध्यक्ष ने उस पद का दुरुपयोग किया है, तो उस आधार पे भी उसको पद से हटाया जा सकता है। साफ है कि अब ये केजरीवाल सरकार पर निर्भर करता है कि जफरुल इस्लाम खान अपने पद पर बने रहेंगे या हटाए जाएंगे।